हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2023 के पोस्टपोनमेंट को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है और इस बीच एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन निकल के आई है। सोशल मीडिया और अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स पे, चैनल्स पे एक नोटिस सर्कुलेट हो रही है और उस नोटिस का कहना है कि ये नोटिस, सबसे पहले ये जो नोटिस है ये बता रही है कि ये नोटिस एनबीए की तरफ से है और इस नोटिस के अकॉर्डिंग नीट पीजी 2023 की एग्जाम जो पहले 5 मार्च को होने वाली थी उसे अब पोस्टपोन करके 21 मई कर दी गई है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी कि ये नोटिस कंप्लीटली फेक है, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जरूर है जो इस नोटिस को देख करके कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे कि ये नोटिस फेक है या जेन्युइन है। मेरा स्टैंड क्या है कि ये नोटिस जो है वो उसे आपको फिलहाल फेक ही मान के चलना है, क्योंकि इस तरीके की चीजें हर साल होती रहती है। इस नोटिस के फेक होने के मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले रीजन तो ये है कि ये नोटिस अभी तक ऑफिशियली नहीं आई है। कभी भी नोटिस आती है तो वो एनबीए की वेबसाइट पे सबसे पहले आएगी, उसके बाद ही किसी के हाथ में आएगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये नोटिस अभी तक ऑफिशियली एनबीए की वेबसाइट पर नहीं आई है, विच इंडिकेट्स कि ये नोटिस फेक है। दूसरी बात यह है कि जब भी बीते वर्षों को भी आप देखोगे तो एग्जाम से पहले इस तरीके की चीजें, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की चीजें करते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स काफी डिस्ट्रैक्ट हो, जिससे काफी डिस्ट्रैक्शन लेवल जो है स्टूडेंट्स की वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके की चीजें हर साल होती रहती है, उसके बाद फिर जो एनबीई है उन्हें सामने आकर के क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। तो ये हर एक साल ये चीजें होती है, इसलिए इस नोटिस का इस साल होना या इस साल आना कोई फर्स्ट टाइम केस नहीं है, ये पहले भी ये चीजें हुई है, तो इस तरीके की चीजों पे भरोसा नहीं करना है। तीसरी बात क्या है, आपको जल्द ही आज से कल तक में ही एनबीई की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि वेदर ये नोटिस जो है वो सही है या गलत है, फेक है या जेन्युइन है। हालांकि ये जेन्युइन लग नहीं रही है बिल्कुल भी किसी भी एंड से, ये फेक ही नोटिस है, तो इस पे लेकर के एनबीई की तरफ से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। इससे ये जरूर आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, एक और क्लैरिफिकेशन जो इससे मिलेगी, जब एनबीई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आएगी तो आपको एक और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि नीट पीजी 2023 के पोस्टपोन होने के कितने चांसेस है। क्योंकि अब अगर एनबीई आकर के इस नोटिस को फेक बताती है और आप वो ये बोलती है, अगर ये नोटिस फेक बता रही है एनबीई और वो ये कह रही है कि एग्जाम 5 मार्च को ही हो रहा है, दैट मीन्स कि आप जितने स्टूडेंट्स पोस्टपोनमेंट को लेकर के अग्रेसिव है उनके लिए एक सेटबैक है कि नहीं, जो एग्जाम वो पोस्टपोन कराने का सोच रहे हैं वो एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रही है। तो एक और चीज ये भी है। तो गाइस, जो बेसिकली मेरा समझाने का मतलब है वो ये है कि ये नोटिस अभी फिलहाल कंप्लीटली फेक है। आप इस नोटिस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इस नोटिस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी प्लान्स नहीं बदल सकते, आपको अपनी स्टडी प्लान्स के साथ स्टिक रहना होगा, जैसे कि एग्जाम 5 मार्च को ही हो रही है। हाँ, फ्यूचर में अगर कुछ ऐसी नोटिस आती है जो ऑफिशियली आती है तो डेफिनेटली मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।